सोनम, ये बताइए कि आप सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी हैं जिसने रेसलिंग में क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए। तो पहले तो ये कि क्या लक्ष्य है ओलंपिक्स को लेके? अभी ओलंपिक होने वाले हैं तो इंजरी से रिकवरी हुई है तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो ओलंपिक से मेडल लेके आऊँ और गोल्ड ही लेके आऊँ, रंग बदले हम मेडल का। खेल का शौक तो बहुत बच्चों को होता है, लेकिन कुश्ती ही करनी है और ओलंपिक में ही जाना है, ये कहाँ से मिली एक प्रेरणा? गाँव में ज्यादा माहौल रेसलिंग का ही है, क्योंकि गांव में कुश्ती और कबड्डी खेली जाती है। तो सर हैं जो पापा के दोस्त हैं, उन्होंने आर्मी से रिटायर आके एकेडमी कर ली और मैं वहां पे जाने लगी और रेसलिंग में इंटरेस्ट हो गया, रेसलिंग स्टार्ट कर दी 2012 में। अकेडमी जैसे मैं वैसे जाती थी तो बैठ के कुश्ती देख रहे थे सुशील पहलवान और योगेश्वर दत्त की, तो वहां पे जब उन्होंने मेडल जीता और इंडिया का फ्लैग ऊपर गया और टीवी में आई है था भाई कि इंडिया का झंडा ऊपर लेके जाना और टीवी में आना है तो इसके लिए वहां पे जाना होगा, तो यही मन में था। फिर पता चला भाई रेसलिंग ओलंपिक ये होते हैं, साक्षी दी का मेडल आने के बाद सब कुछ रेसलिंग में लड़कियों में चेंज हो गया, तो फिर ऐसा था कि भाई रेसलिंग करनी है और अच्छी ओलंपिक में जाना है और मेडल लेके आना। साक्षी मलिक जो ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं, उनको आपने एक नहीं दो दो बार हराया है, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कैसा था वो उनको हराना? फेडरेशन में पापा और कोच गए तो उन्होंने बोला कि कम उम्र है, कहीं इंजरी हो गई, और साक्षी दी के साथ बाउट जो अभी भी ओलंपिक में 2021 में होप थी, तो साक्षी दी के साथ बाउट थी तो नर्वस थी कि भाई साक्षी दी के साथ बाउट है, तो सर ने और पापा ने बोला कि तेरे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो अपना 100% दे, जितना तूने किया है अच्छा करेगी और जो होगा अच्छा ही होगा। तो वहां से साक्षी दी के साथ 4 सेकंड में मैं कुश्ती जीती 10-10 के साथ, उसके बाद 4 बाउट हो चुके मेरे साक्षी दी के साथ और सभी बाउट अच्छी हुई। एक चुनौती आपके उसमें एक बहुत बड़ी एक इंजरी की भी आई कुछ साल पहले, जब ये हुआ कि आप खेल ही नहीं पाएंगी, तो उससे कैसे उभरी और क्या क्या दिक्कत क्या हुई? हाँ मेरे को स्टेट चैंपियनशिप हुई थी भिवानी में, उसमें इंजरी हो गई थी और हाथ एकदम से बाउट करते समय हाथ काम करना छोड़ गया और सभी डॉक्टरों ने बता दिया भैया हाथ नहीं चलेगा। फिर एक डॉक्टर है रोहतक में पवन शर्मा, उन्होंने तो लकवे लकवा बोल दिया कि हाथ थोड़े दिन और अगर तुम नहीं दिखाते तो इसको ये सूख जाता और बिल्कुल भी वापसी आने की कोई उम्मीद नहीं है, अभी 1% चांस है। तो 1 साल में मेरी हाथ की रिकवरी हुई बिल्कुल, जहां से छोड़ देते वहीं से गिर जाता था, कोई इसमें कोई पावर नहीं कोई मूवमेंट नहीं, पर धीरे धीरे आई रिकवरी हुई तो अभी मैं रेसलिंग कर पा। ये था कि भाई रेसलिंग तो करनी है कैसे भी करनी है पर ये तो करनी है। गांव में जैसे आपको तो घर वालों का समर्थन मिला है, लेकिन बहुत सी लड़कियां हैं जो गांव में शहरों में नहीं खेल पाती हैं क्योंकि उनको इजाजत ही नहीं होती है। तो आप अपने आसपास कैसी दिक्कतें देखती हैं लड़कियों को लेकर? हाँ मैडम अभी तो जैसे काफी चेंजमेंट है, पहले तो जैसे जो मेरे क्लासमेट थी सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है, अभी तो जैसे गांव में काफी लड़कियां जो प्रैक्टिस रेसलिंग करती हैं टेनिस करती हैं, अभी तो गांव वाले भी ऐसे करते भी लड़की है कोई नहीं, विनेश दी के बोलते कि वो बोलते कि अगर लड़की होती है कोई नहीं रेसलिंग में डाल देंगे, ऐसा माहौल थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। अभी तो काफी सपोर्ट करते हैं, मैं भी जैसे बाहर जाती हूँ तो अभी तो सपोर्ट पहले नहीं था, पहले क्या बोलते थे? पहले तो ये कि लड़की को भी निक्कर पहनाते हुए, फिर पापा और मम्मी बोलते थे कि अगर हमें दिक्कत नहीं है तो ये कोई नहीं तू अपना करती रहे, इनकी सोच भी चेंज हो जाएगी। अभी सभी पॉजिटिव है इस बारे में, अभी कोई कुछ नहीं बोलता। कुश्ती के अलावा और क्या है, मतलब कुछ शौक है, रिलैक्स कैसे करते हो? हाँ कभी कभी कपिल का शो देख लेती हूँ मैडम। कॉमेडी शो। हाँ